राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति एक बार फिर चरम पर है। झारखंड की तमाम सियासी पार्टियों में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले उसका स्वागत किया है। आंदोलन की आड़ में प्रचार का श्रेय लेने की होड़ पेश है, देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीति की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन राजनीति का पुराना स्टेडियम आरक्षण ही है। ओबीसी के आरक्षण को लेकर जहां हर दल इसे पुराने स्टेडियम के रंग रोगन में जुटा है, वहीं कोई आंदोलन कर ये साबित करने में लगा है कि उस स्टेडियम का जीर्णोद्धार का श्रेय उसे ही मिलना चाहिए। इस बीच उद्घाटन करने की होड़ में हर दल एक दूसरे की टांग खींचकर एक दूसरे को पीछे करने में जुटे है। निश्चित तौर पे हम भी कमिटेड है अपने घोषणा पत्र के साथ, और हम भी 27% की जो, और हम लोगों का तो और भी ज्यादा उसमें मांग, तो वो सारी चीजें को देखकर जब आ जाएगी नियोजन नीति आप लोगों के सामने कहेंगे। प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी का आदेश मिला था कि आप जो लोग पिछड़ों के लिए आरक्षण चाहते हैं उन सब लोगों को उसमें इन्वॉल्व कीजिए इस मांग में, तो उस आधार पे इन्होंने पूरे प्रदेश में धरना का आयोजन किया है। और हमें लगता है कि बहुत जल्द हमारी सरकार है, और सरकार में भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और सदन में भी बातचीत कर रहे हैं और सड़क पर भी उतर करके इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। हमको लगता है कि बहुत जल्द 27% का जो आरक्षण है वो लागू किया जाएगा। इस दशक में राजनीति के सबसे बड़े योद्धा के तौर पर सामने उभर कर आने वाली भाजपा को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल सीट में नामांकन को लेकर ओबीसी का दायरा 27% करने के साथ राजनीति के इस पुराने स्टेडियम का उद्घाटन कर दिया है। 28 ओबीसी कैबिनेट मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री ने इस खेल का शंखनाद भी कर दिया है। लिहाजा बीजेपी का यह आरोप है कि राज्य में सत्तासीन महागठबंधन घड़ियाली आंसू बहाकर ये साबित करने में जुटी हुई है कि अगर हमें गिराया नहीं जाता तो इसके विनर हम ही होते। बीजेपी ने यह भी तंज कसा है कि जिसको करना है वही मांग कर रहा है, यह सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकने के बराबर है। केंद्र सरकार की तर्ज पर 27% केंद्र की सरकार मोदी जी की सरकार ने आरक्षण दिया है, 10% उन लोगों को दिया है जो गरीबी रेखा गरीबी से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको देने का काम तो इतनी कह रहे हैं उस तर्ज पर आप कर दो। आप क्यों नौटंकी कर रहे हैं कि 27% देना होगा? अरे किसको देना होगा? तुम सरकार में शामिल हो। राज्य में सबसे छोटी राजनीतिक हैसियत रखने वाली आरजेडी और आजसू भी ओबीसी के आरक्षण को संख्या के आधार पर करने की मांग कर रही है, लेकिन सभी दलों की मांग से फिलहाल इसका हल होता नहीं दिख रहा। लिहाजा क्रिया और प्रतिक्रिया की इस लड़ाई में जनता अपने हिस्से का शब्द खोज रही है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अभय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अब सियासत कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। नहीं बिल्कुल, देखिए ये जो मसला है ओबीसी आरक्षण का मसला और उसके दायरे को जो बढ़ाने की बात कही जा रही है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में भी था और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था चुनाव के वक्त। लिहाजा दोनों पार्टियां अपने उस पुराने कमिटमेंट को अब पूरा करने के लिए लगातार आप कह सकती हैं कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कल ही कांग्रेस ने इस मसले पर धरना भी दिया। तमाम जिला मुख्यालय में कांग्रेस के जो नेता हैं वो सड़कों पर उतरे, धरने के माध्यम से सरकार को ये मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस जिस कमिटमेंट के साथ सत्ता में आई है उस कमिटमेंट को वो पूरा करना चाहती है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी ये कमिटमेंट था, उन्होंने भी जब सत्ता में आने से पहले ये कमिटमेंट राज्य की जनता से किया था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी तो ओबीसी के आरक्षण का दायरे को बढ़ाया जाएगा, यानी 27% किया जाएगा। इसको लेकर पूरी तरीके से सियासत इन दिनों गर्म है। बीजेपी को लगता है कि जब कांग्रेस सत्ता की साझेदार है, सत्ता में वो शामिल है, तो उसे धरने की जरूरत नहीं है, उसे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से संवाद करना चाहिए और आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए। तो अगर ऐसा न करके कांग्रेस धरना देती है तो ये कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है, क्योंकि आप सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए अगर आपको धरना देने की जरूरत पड़ती है तो ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
अगर आप आरक्षण की सियासत को अगर आप थोड़े समझने की कोशिश करें, अगर उसके मिजाज को समझे, तो आपने देखा होगा कि केंद्रीय कैबिनेट में 28 जो मंत्री बनाए गए, जो रिशफल हुआ केंद्रीय कैबिनेट का, उसमें ओबीसी चेहरा को रखा गया। तो देश के मानचित्र में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है। कई राज्यों में चुनाव है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल, तो उसको लेकर भी ओबीसी आरक्षण का ये जो कार्ड है वो चला जा रहा है। और उस सियासत की गर्माहट आप कह सकती हैं कि झारखंड जैसे प्रदेश में भी महसूस की जा रही है। हालांकि आने वाले दिनों में यहाँ कोई चुनाव है नहीं, बावजूद इसके इसकी गर्माहट यहाँ महसूस की जा रही है और तमाम पार्टियां इस रैब लेने की होड़ में है कि ओबीसी आरक्षण जी के राकेश को लेकर। लेकिन अगर सत्ता में रहते हुए आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। बिल्कुल वही बात मैं अमन आपसे कह रहा हूँ कि सियासत में होड़ लेने की जो एक नई परिपाटी आई है उसमें कांग्रेस का, चूंकि ये सेंट्रल लीडरशिप का ये कार्यक्रम था और सेंट्रल लीडरशिप भी लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत करती रही है कांग्रेस, वो उसके मैनिफेस्टो में भी रहा है, तो अब कांग्रेस के तरफ से ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है अपने ही सरकार के ऊपर कि आप ओबीसी आरक्षण को लेकर दो कदम आगे बढ़ाएं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से फिलहाल इसको लेकर बहुत शोरगुल नहीं है, लेकिन ये जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कह रहे हैं कि ये उनके मैनिफेस्टो में था और राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है। आने वाले दिनों में जो नियोजन नीति राज्य सरकार लाने जा रही है उसमें ओबीसी आरक्षण को समाहित किया जाएगा। तो ये देखना होगा कि सरकार कांग्रेस के इस दबाव को किस तरीके से लेती है और आने वाले दिनों में क्या ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार दो कदम आगे बढ़ाती है या नहीं। जी राकेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ओबीसी 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है और सत्ता पक्ष के लोग ही अब आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि श्रेय लेने की होड़ मची हुई है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से सियासत तेज होती भी नजर आ रही है, जेएमएम कह रही है कि कहीं ना कहीं 27% आरक्षण को लेकर के उनके मैनिफेस्टो में था ये सारी चीजें है। और अब नियोजन नीति जिस तरीके से सरकार आगे लाने वाली है उसमें क्या कुछ फैसला लेती है ये भी देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।